दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप में बाजी मारे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 होने वाले मुकाबले में हमारी भारतीय टीम ने 3 मुकाबले में लगातार जीत हासिल करते हुए पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, और अगर हमारी भारतीय टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ ये मुकाबला हार जाएगी तो हमारी भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, जहां हमारी भारतीय टीम पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया, तो वही अब बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने आज भारतीय टीम से होने वाले मुकाबले में शुरू होने से पहले बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन भारतीय टीम को लेकर दिया बड़ा बयान, और अगर ये बयान सच नहीं हुआ तो बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन को बहुत पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, आखिरकार क्यों साकिब अल हसन का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंचा है? ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने भारतीय टीम के जीत का मजाक बनाते हुए? उनका पूरा वीडियो लाइव इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आज भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। दोस्तों, हमारे भारतीय टीम महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पहुंच चुकी है। बस थोड़ी देर बाद यह मुकाबला शुरू होने वाला है, लेकिन यह मुकाबला शुरू होने से पहले बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन भारतीय टीम बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम आज इस मुकाबले को हारेगी इसलिए क्योंकि मैं जो प्लान बनाया है अगर वह सफल हो जाती है तो भारतीय टीम पक्का आज इस मुकाबले में हार जाएगी। प्लान ये है कि अगर मुझे पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो हमारे बांग्लादेश टीम को 280 से 290 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम को देना है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इतने रन को भारतीय टीम को इस पिच पर चेस करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर गेंदबाजी करने की पहले नंबर आता है तब हमारी टीम के गेंदबाजों को रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, इन तीनों खिलाड़ियों को ज्यादा रन बनाने को मौका नहीं देना है और इनको जल्दी से जल्दी आउट करना है, और अगर ये तीनों बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो भारतीय टीम को रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमें ज्यादा बड़ी लक्ष्य का पीछा नहीं करना पड़ेगा और हम इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएंगे। तो दोस्तों, बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन बयान यही दिया।